श्री जी के अलावा और कुछ नहीं है। राधा साध्यम साधनम निश्च राधा, मंत्रो राधा मंत्र धात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम निश्च राधा, राधा राधा वाच किम दक्षते जम। इनके सिवा और कोई बचा ही गया। धाम में आके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। हम लोग बहुत पुराने टाइम से यहाँ आ रहे हैं और आज एकादश का दिन है तो आज के दिन दर्शन करके तो बहुत ही ज्यादा कृपा मिल रही है। मैं मेरी वाइफ है, ये बचपन से आ रहे हैं लेकिन मैं शादी के बाद से आना स्टार्ट किया और यहाँ आके बहुत अच्छा और बहुत सुकून मिलता है। आज तो एकादशी का हमारा व्रत भी है, आज पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह एकादशी अगर ब्रज धाम में और ओमी श्री जी के सामने तो उसका तो प्रकट, उसका तो स्वरूप ही अलग है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल बरसाना में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम आपको लेके आए फिर से किशोरी के धाम बरसाना। तो भक्तों मैं आपको बता दूं, आज है पाप मोचनी एकादशी और आज के दिन जो लोग व्रत रख लेते हैं तो उनके कहते ना सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आज के दिन हमारी किशोरी जी के धाम बरसाना में हम लोग आए हुए हैं, उनके मंगल प्रांगण में चलेंगे और आज के उनको दिव्य दर्शन कराएंगे। कहते हैं आज के दिव्य दर्शन करने से हमारे सभी पापों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी कहते हम लोग भाव लेकर हम किशोरी जी के धाम बरसाना में चलेंगे। तो भक्तों मैं आपको बता दूं, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे ब्रज की सभी लीलाएं आपको घर बैठे आपको देखने को मिलती रही। तो दोस्तों इसी के साथ चल रहे हैं हम लोग किशोरी के धाम प्रांगण में महल में ऊंची अटारी पे। तो आई हमारे साथ राधे राधे बोलते हुए हम लोग चल रहे हैं। भक्तों ये तो देख रहे हो, ये परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग से हम लोग किशोरी के प्रांगण में अभी आप देख रहे हो सीढ़ियों के रास्ते हम लोग ऊपर चलेंगे और काफी भक्त हैं जो कि अभी दर्शन करके लौट रहे हैं और हम भी आज के दर्शन आपको अपने चैनल के माध्यम से किशोर जी के दर्शन कराएंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखो काफी भीड़ है क्योंकि आज एकादशी का पावन पर्व है और एकादशी के पावन पर्व पे ज्यादातर भक्तों की भीड़ होती है। तो भक्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ हम लोग जैसे ही सीढ़ियों के रास्ते जाते थे स्टार्टिंग में यहाँ पे पूजा चली के सभी सामान मिल जाता है, आपको यहाँ से लेकर जाता है ऊपर भी आपके मंदिर प्रांगण पे ये सामान मिलता है। तो आप देख रहे हो काफी भक्तों की भीड़ लगी हुई है, सभी हमारे किशोरी जी के श्री जी के दर्शन करके लौट रहे हैं। तो भक्तों आप देख रहे हो हम लोग किशोर जी की ऊंची अटारी पे पहुंच चुके हैं और काफी भक्त जन हैं जो कि दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भक्तों आज एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, आप देख रहे हो काफी भक्तों की भीड़ लगी हुई है सभी किशोरी जी के धाम में उनके प्रांगण में महल में उनकी ऊंची अटारी पर दर्शन करने के लिए आए हुए। तो भक्तों हम लोग पहुंच चुके हैं किशोर जी की ऊंची अटारी पर, तो सबसे पहले इनके श्री चरणों को नमन कर लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से किशोर जी के श्री चरणों को नमन कीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से वही पुण्य फल प्राप्त हो जो हमें कहते हैं यहाँ पे दर्शन करने से हो रहा है। तो भक्तों और हम कह देते हैं यहाँ पे आप आ जाते हैं किशोर जी के श्री चरणों में स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो उनके भी उनको भी हम नमन करते हैं। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से मन कीजिए, बोलिए जय ब्रह्मा जी। अब भक्तों हम लोग चलेंगे उनकी ऊंची अटारी पे उनके प्रांगण में महल में और आज की जो दिव्य दर्शन है वो आपको भी चल के माध्यम से कराएंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, आइए। तो भक्तों आप देख रहे हो हम लोग पहुंच चुके हैं किशोर जी के प्रांगण में महल में ऊंची अटारी पे, आप देख रहे हो काफी भक्तों की भीड़ लगी है क्योंकि एकादशी का पावन पर्व है और सभी लोग हमारे किशोरी जी के धाम बरसाना में उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो भक्तों मैं आपको बता दूं, दोपहर का टाइम है, हम लोग किशोर जी के ऊंची अटारी पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उनकी आप देख सकते हो सफेद छतरी है जिसपे कहते हैं साल में तीन बार हमारी राधा रानी यहाँ पे दर्शन देती है। तो आइए उनके ऊंची प्रांगण में महल में उनके चलते हैं महल में और वहाँ पे आज के दर्शन कराते हैं। भक्तों आप देख रहे हो हम लोग किशोर जी के प्रांगण में है और काफी भक्तों की भीड़ लगी है, जैसा कि आज एकादशी है और एकादशी के पावन पर्व पे सभी हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हो हम लोग बस पहुंचने वाले और ये पहुंच सकते हैं श्री लाडली जी महाराज बरसाना, तो उनके प्रांगण महल में चलेंगे और आज के दिव्य दर्शन आपको कराने वाले अपने चल के माध्यम से। तो बने रही बात, आप देख रहे हो किशोर जी के प्रांगण महल हम लोग पहुँच चुके हैं, आज के दर्शन हमारे चल के माध्यम से एकादशी का पावन पर्व है और एकादशी के पावन पर्व पे दर्शन कर रहे हो आप सभी भक्तों के माध्यम से। लेकिन हम बस आनंद ही आनंद भक्त ने जो कि हमारे दर्शन लेके आए हुए हैं, सभी लोग हमारे किशोर जी के पास मेल में दर्शन करने के लिए आए हुए।
तो भक्तों मैं आपको बता दूं, आज है एकादशी के पावन पर्व और हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ साथ आप देख रहे हो पीछे हमारे काफी भक्तजन भी आए हुए हैं। तो भक्तों आज है, मैं आपको बता दूं, पाप मोचनी एकादशी है जो कि आज 5 मार्च 2024 है। मैं आपको बता दूं और सभी लोग हमारे किशोर जी के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और भक्तों मैं आपको बता दूं आज कितना पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी के दिन जो भी व्रत रखता है और इस एकादशी का पालन करता है तो उनके सभी कितना उनके जो पापों से अपने जीवन में जितने भी जो कितना जो कहते जो पापों से मुक्ति पा जाता है, ऐसे आज का मानना होता है, ऐसे ऐसे अच्छे भाव होते हैं। तो भक्तों और मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूँ अपने चैनल के माध्यम से, आज हमारे राधा रानी की कृपा से हम आज हमारे चैनल पे, आज आपके चैनल पे विशाल बरसाना चैनल पे आज 1 लाख सब्सक्राइबर यानी कि 1 लाख परिवार जुड़ चुका है हमारे चैनल विशाल बरसाना पे। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे किशोर जी की कृपा है और इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा और इस परिवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने के लिए और आगे बढ़ाते रहोगे। दीदी राधे राधे। तो दीदी कहाँ से आए हैं? जी हम बरेली से आए। बरेली से आए तो कहते हैं आज एकादशी का पावन पर्व है तो किशोर जी के धाम बरसाना में आए, तो आज के किस भाव से आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा महसूस हो रहा है? राधा रानी के धाम में आके तो हमेशा ही अच्छा लगता है, हम लोग बहुत पुराने टाइम से यहाँ आ रहे हैं और आज एकादशी का दिन है तो आज के दिन दर्शन करके तो बहुत ही ज्यादा कृपा मिल रही है राधा रानी। तो कहते हैं जिनके जिन पे कृपा होती है किशोर जी की वही बरसाना धाम आते, जिन पर कृपा होती है उन्हीं को राधा रानी बुलाती है। तो भैया आप कैसे? मैं मेरी वाइफ है ये बचपन से आ रहे हैं लेकिन मैं शादी के बाद से आना स्टार्ट किया और यहाँ आके बहुत अच्छा और बहुत सुकून मिलता है। कहते ब्रज में आनंद और रस है, उसका अनुभव हुआ? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद है, बहुत रस है। और भैया एकादशी पे आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, आज तो एकादशी का हमारा व्रत भी है, आज पाप मोचनी एकादशी है, जिस एकादशी को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह एकादशी अगर ब्रज धाम में और वो भी श्री जी के सामने, उसका तो प्रकट, उसका तो स्वरूप ही अलग है। और हम तो बचपन से ही ब्रज धाम आते जा रहे हैं, श्री जी को अच्छा लगता है हमारे किशोर जी धाम पर। श्री जी के अलावा और कुछ नहीं है, राधा साध्यम सारणम यश्च राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यश्च राधा, राधा राधा वाच किम तच्छतेजम, इनके सिवा और कुछ बचा ही गया। ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं। हाँ ठाकुर जी भी जब भी कृपा करते हैं हमारे, जब तक किशोर जी की कृपा हो जाए। और स्वयं महादेव भी इनके इनकी आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी भी इनके कहते हैं इनके चरणों में, ब्रह्मांचल पर्वत पे ही श्री जी हमारे विराजमान है और सब महादेव भी इनकी आराधना करते हैं। महादेव ने तो श्री राधा कृपा कटाक्ष तक लिख डाला, एक मंत्र नाद मंजू नूपुरा रवस कलत समाज राज महंश वंश निंकणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बचार्य चक्र में कदा करिष्यसि वाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री जी के एक नूपुर के एक झनकार से अनेक वेद प्रकट होते हैं, तो सोचिए हमारी श्री जी क्या चीज है। क्या नाम है आपका? प्रखर मिश्रा। प्रखर मिश्रा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मैं झांसी का हूँ और पढ़ता है यहाँ पर हूँ जीएलए में। अच्छा, झांसी के रहने वाले हैं। तो हमारे किशोर जी के धाम में आए हो बरसाना में जो कि आज एकादशी का पावन पर्व है, तो कैसे आज के भाव में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो देखिए हर बारी हर हफ्ते आ जाता हूँ मैं, बिहारी जी या राधा रानी हर बारी बुला लेती है, तो कहीं पर भी बिहारी जी या गोवर्धन जी परिक्रमा पूरे ब्रज में कहीं ना कहीं हर हफ्ते वीकेंड जैसे हमारी छुट्टी होती है चले जाते हम लोग कहीं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। एकादशी है, ब्रज में रस है, आनंद है, उसकी महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2.5 साल से यही कर रहे हैं वहाँ पर, ऐसी जगह पर राधा रानी ले आई है हम लोग के पास ही में, बिल्कुल लोग इतनी दूर दूर से आते हैं करते हैं दर्शन करने के लिए, मतलब ये इतना दूर आने के लिए पास ही में कृपा होती है, वही बरसाना धाम आता है। भक्त जी आप देख रहे हो हम लोग किशोर जी के ऊंची अटारी से नीचे का जो दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। आज एकादशी का पावन पर्व है और सभी भक्तगण हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में हमारे किशोर जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। दोपहर का टाइम है, आप देख रहे हो काफ़ी धूप पड़ी हुई है फिर भी, तो फिर किशोर जी के चाहने वालों उनके जो भक्तों की भीड़ आप देख कर महसूस कर सकते हैं कि हमारे किशोर जी के प्रांगण में बरसा धाम में कितना आनंद रस बरस रहा है। और ये आपको बता दूँ, ये आपका बरसाना आप देख सकते हो पूरा बरसाने का जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये किशोर जी की सफेद छतरी। तो आप देख रहे हो हम लोग किशोर जी के महल में, और आप देख रहे हो काफी भक्तों ने जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं किशोर जी के दर्शन में। देखो हम लोग किशोर जी के राम दर्शन में उनके प्रांगण महल में उनकी कटारी पे
और काफी भक्त ने जो किया एकादशी के फोन पर से हमारे किशोर जी के गाँव में के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मंदिर प्रांगण को भी देखो हुआ है, काफी आनंद रस पड़ रहा है हमारे बेटन में। अभी लोग हमारे किशोर जी के काम पर आए हुए हैं, कितना आनंद रस बरस रहा है हमारे किशोर जी के काम पर। ऐसे किशोर जी की कृपा होती है वही बरसाना आते हैं, हमारी लाडली जी को बुलाए वही बरसाना। बस तो आप देख रहे हो यहाँ पे दीदियाँ राधा रानी के धाम बरसाना में कितना खुशी और आनंद का अनुभव करते हुए नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी आनंद रस बरस रहा है हमारे ब्रजधाम बरसाना में। तो सभी लोग एक अब देखिए कितनी कड़ी धूप है, दोपहर का टाइम है, सभी लोग कितने हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में कितने कुछ आनंद में डूबे हुए हैं हमारे जो बरसाना बरस रहा है। तो भक्तों आज हमने आपको एकादशी के पावन पर्व पे अपने किशोर जी के दिव्य दर्शन कराए और मैं आपको बता दूं काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी है हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में और उम्मीद है कि आज के जो दर्शन है कितना मन को आनंद देने वाले हैं और आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको भविष्य में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे ब्रज की जो लीला हैं, लौकिक लीला है, वो आपको घर बैठे देखने को मिलती रहे। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे।